हम क्या करेंगे, दोनों रजिस्टर्स को ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच से हटा देंगे और दोनों के जगह पे हम सिर्फ एक रजिस्टर लगाएंगे और दोनों के बदले वो अकेला ही काम करेगा। यानी दोनों जो मिलकर करंट कैपिटल आई फ्लो करवा पा रहे थे, ये अकेला ही आई फ्लो करवाएगा। तो इस अकेले को जो दोनों के बदले में लगा, हम बोलेंगे इक्विवेलेंट रजिस्टर। तो ध्यान सुनना, ये डायग्राम को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। हमने ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में दोनों को हटा के एक ही रजिस्टर लगाया, ऐसे करके। उसका नाम है रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट। उसके रेजिस्टेंस को क्या बोल रहे हैं, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और ये हमारा एज यूजुअल सेल है जो पोटेंशियल डिफरेंस बी अप्लाई करेगा। ये हमारा की है जो ऑन है। ये हमारा एमिटर है जो करंट बता रहा है, कौन सा करंट बता रहा है, कैपिटल आई बता रहा है। ये इसका प्लस है और ये ऐसे कनेक्ट है, ठीक है। हमने सिंपली क्या किया, ए और बी का सेटअप के बीच में जो सेटअप है उसको हटा दिया, उसके जगह पे एक ही लगाया। चलिए अब हम इसके लिए ओम लॉ लगाते हैं। तो ओम लॉ क्या बनेगा, बाय ओम लॉ, तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर इक्वल टू करंट थ्रू द कंडक्टर इंटू रेजिस्टेंस। सो करंट जो बनेगा इसमें बनेगा वी बाई आर। हम इस सिचुएशन के लिए ओम्स लॉ लगा रहे हैं। तो इस सिचुएशन में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ये वाला वोल्ट मीटर हम यहां पे लगाने वाले हैं, प्लस और माइनस यहां पे। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना बताएगा बच्चों, ये बताएगा वी, ठीक है। और रेजिस्टेंस इस केस में क्या है, आर इक्वी, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है बच्चों। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 5 आ गई। अब इक्वेशन नंबर अपना 4 देखो, इक्वेशन नंबर 5 देखो। दोनों में क्या है कि दोनों में जो लेफ्ट हैंड साइड है वो करंट है, और ये करंट उतने ही है और ये करंट भी यहां से जो आया उतना ही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारी इक्वेशंस के अंदर लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो हमारे राइट हैंड साइड भी क्या है, मैथमेटिकली सेम है, ठीक है बच्चों। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, ये सेम, तो ये वाली भी सेम। तो ये कितना गया, वी वाई आर इक्वी इक्वल वी, ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 से। तो हम इसमें कट क्या कर सकते हैं, हमारा ये कट हो सकता है। तो ये बच्चों ये बन गया हमारा 1 बाई R इक्वी इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 बन गया बच्चों, ठीक है। चलिए तो हमने ये हमारे पास फाइनल रिलेशन है। अगर हम जान गए कि हमारा R1 कितना वैल्यू है, अगर हम जान गए हमारा R2 कितना वैल्यू है, कितना ओम है, तो हम इस रिलेशन से पता कर सकते हैं कि हमारा जो लास्ट में आर इक्वी आएगा वो कितना आएगा, ठीक है। तो इसके आगे हम पॉइंट्स क्या ऐड कर सकते हैं, अगर हम बात करते हैं 3 रेजिस्टेंसेस की, वो हमारे हैं R1 और दूसरा है R2 और है तीसरा है R3। तो इस केस में ये वाला फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा, 1 बाई R इक्वी इक्वल टू पहला है R1, दूसरा है R2 और तीसरा है R3 बच्चों, ठीक है। और ऐसे मान लेते हैं कि सारे रेजिस्टेंस सेम है, लेट कर लेते हैं हम कि R1 भी हमारा R है, R2 भी हमारा R है और R3 भी हमारा क्या है, R है, सारा रेजिस्टेंस सेम है। तो उस कंडीशन में ये वाला जो फॉर्मूला है वो कैसे लिखा जा सकता है, ये वाला 1 बाई R इक्वी 1 बाई R प्लस 1 बाई R प्लस 1 बाई R, तो ये आ गया हमारा 3 बाई R, ठीक है। इसे हम लिख सकते हैं कि हमारा जो R इक्वी आया वो आया R/3 बच्चों, ठीक है। इसमें एक स्टेप और कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं
लेट कर लेते हैं कि हमारे पास बहुत सारे रेजिस्टेंसेस हैं, फॉर एन रेजिस्टेंसेस, हमारे पास बहुत सारे रेजिस्टेंसेस हैं और सारे के सारे क्या हैं, वो पैरेलल में हैं, ठीक है बच्चों। यानी हमारा आर वन भी आर है, ऐसे भी हम सपोज कर लेते हैं, ये आर टू भी हम आर ही कर लेते हैं, आर थ्री भी हम आर ही कर लेते हैं, और सोन हमारा जो आर एन है वो भी हम आर ही कर लेते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो हमारा ये वाला फॉर्मूला जो अपडेट होगा वो जरा ध्यान सुनना। वैसे तो ये वाला फॉर्मूला हम ऐसे लिख सकते हैं कि पहले वाला भी आर, ये वाला भी आर है, दूसरे वाले में भी क्या आएगा, नीचे आर आएगा, ऐसे हमारा तीसरे वाले में डिनोमिनेटर में आ रहेगा, ऐसे हमारा चलेगा वन बाई लास्ट में आर। तो ये कितने हैं, टोटल एन है, तो ये क्या बनेगा, एन टाइम्स ऑफ वन बाई आर बनेगा बच्चों, यानी वन बाई आर इक्वी होगा एन बाई आर, और हमें ये फाइंड करना है आर इक्वी, तो वो होगा आर बाई स्मॉल एन, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा टॉपिक रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल। तो ये